नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कभी कभी हमारे ऑफिस या विभाग से संबंधित काम ऐसी जगह आ जाता है जहां ना तो हमारे पास कंप्यूटर होता है और ना ही लैपटॉप। तो ऐसी स्थिति में हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप का वर्क कैसे करें? दोस्तों उस समय हमारे पास केवल मोबाइल होता है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कैसे आप मोबाइल के अंदर MS Excel की फ़ाइल को एडिट कर सकते हैं और किसी को भेज सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ़ाइल आई है उसे आप एडिट करना चाह रहे हैं MS Excel की फ़ाइल को, तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू शुरू से क्लास तक ज़रूर देखें। इसमें हम आपको एक्सेल की एडिटिंग से रिलेटेड टूल फंक्शन सब आपको सिखाएंगे और इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन किस तरह फार्मूले लगाए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोबाइल के अंदर। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऐप ओपन कर लेना है। हम यहाँ पर जाएंगे प्ले स्टोर के अंदर, यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करेंगे एंड यहाँ पर आपको लिखना है BPS ऑफिस एंड सर्च करना है। तो यहाँ पर पहला ही ये लिंक आ जाएगा इस ऐप का, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। दोस्तों ये एक ऐप ऐसा है, ये फ्री और पेड दोनों ही हैं। इसके अंदर आपकी जो भी फाइल होगी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेक्स्ट, नोट पैड, तमाम कंप्यूटर रिलेटेड फाइल होगी और आराम से इसमें खुल जाएंगी और एडिट भी हो जाएंगी। तो हमने पहले से इंस्टॉल कर लिया, आप भी इसको इंस्टॉल कर लें। अब हम जाते हैं और आप जब भी एडिट करें फाइल को कोई भी, तो नेट ऑफ कर लें, नहीं तो बार बार आपके पास एडवर्टाइजमेंट आएंगे और प्रॉब्लम होगी आपको वर्क करते समय। तो हमने यहाँ पर ऑफ कर दिया है विज्ञापन को। अब हम जाते हैं इसके अंदर एंड हम खोलते हैं BPS ऑफिस ऐप। तो यहाँ लिखा है BPS ऑफिस, इसको हम ओपन करते हैं। एंड BPS ऑफिस खुलने के बाद आपने जो रिसेंट फाइलें खोली होंगी वो यहाँ से होगी। अब आपको कोई फाइल आपके पास है उसको आप एडिट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आइकन बनाए, तो देखिए यहाँ पर डॉक बनाए, PPT बनी है, एक्सेलिस बनाए। डॉक में आपकी MS Word की फाइल बनेगी, PPT में आपकी पावर पॉइंट की फाइल मिलेगी, XLS में आपकी MS Excel फाइल मिलेगी, PDF में आपकी PDF और टेक्स्ट में टेक्स्ट की, है ना दोस्तों। एंड कम स्पैम था, चलिए यहाँ पर स्पैम कंपनी का फ़ोन था, इसको हम कट कर देते। एंड दोस्तों आपकी गूगल ड्राइव पे है तो आप गूगल ड्राइव से भी खोल सकते हैं। एंड डिवाइस में यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन के मेमोरी में, तो आप दिस डिवाइस पे क्लिक करके यहाँ पर मेमोरी के अंदर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और कोई भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आइकन जहाँ एक्सेल लिखा है यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके मोबाइल में जो भी फाइल होंगे एक्सेल की सारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखिए यहाँ प्रैक्टिस लिखा है, हम इस फाइल को ओपन करेंगे। अब दोस्तों वो लोग फाइल तो ओपन कर लेते हैं, जैसे कि मैं देखो आपको बताया था फाइल ओपन करने के बाद। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, फिलहाल मेरे में तो आया नहीं, एडिट का, तो वो एडिट फंक्शन को एक्टिव नहीं करती तो वहाँ पर एडिटिंग नहीं होती। तो इस कंडीशन में आप एडिट वाले फंक्शन को वहाँ पर ऑन कर लें, ठीक है। फिर बाद में फेक वीडियो इस तरह की कमेंट करते हैं, इससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एज ए इलेक्ट्रॉनिक एक पी है, हमें इसे एडिट करके किसी को भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की एडिटिंग बताते हैं। सिंपल सा यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आवाज़ लिखा है, हम इस पर क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है। एंड नीचे आना, यहाँ पर यह आपको मिलेगा एक इस तरह का आइकन, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एडिटिंग टूल मिल जाएंगे, तो हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते, आपको दिखेगा। देखिए आपको साइज़ बड़ा करना है इसका, तो आप साइज़ बड़ा कर सकते हैं, देखिए। छोटा करना है तो आप छोटा कर सकते हो, ठीक है। एंड बैक इससे जाएंगे आप, एंड आपको बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना है इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन देना है तो अंडरलाइन भी आप दे सकते हो, ठीक है।
एंड आपको कोई कलर देना है इसके अंदर, देखिए इससे आप कलर दे सकते हो, कोई भी आपको कलर पसंद आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अलाइन मिलेगा, आपको अलाइन इस तरह कर सकते हो आप, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है, इस तरह से आप अलाइन कर सकते हो, ठीक। एंड यहाँ पर और देख लेते और क्या है, और आपको काफ़ी कलर मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट एडिटिंग के इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। एंड हम आपको और बता दें इसमें, सबसे पहले हम आपको फार्मूले बताए थे, अगर आपको फार्मूले लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है यहाँ पर आइटम से, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड क्लिक करने के बाद हमारा ये शो होने लगेगा, हम जाएंगे इसके अंदर एंड हम इक्वल लगाते हैं फार्मूले के अंदर, इक्वल लगाएंगे एंड किस में मल्टीप्लाई करना है हमको, यहाँ पर 9999 हमें मल्टीप्लाई करना है। एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई का हमारा स्टार का साइन देंगे, स्टार का साइन ये है। एंड यहाँ पर जिस वैल्यू मल्टीप्लाई करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पर फिर यहाँ पर राइट रखेगा, राइट पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो ये ओके माने जाएगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुका है। आपको सेकंड करना है 2350 का 65 में, सिंपल से फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर से आपको इससे सिलेक्ट करना है एंड इक्वल, इक्वल के बाद आपको यहाँ पर वैल्यू सिलेक्ट करना है, कौन सी 2350 वाली, एंड स्टार आपको देना है एंड यहाँ पर 650 इस पर क्लिक करना है एंड आपकी वैल्यू यहाँ फार्मूला टाइप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ राइट लिखा है ग्रीन कलर का, आप फिर से क्लिक करेंगे आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह हम फार्मूले मल्टीप्लाई का करते हैं इसमें। अगर आपको प्लस का करना है तो प्लस का भी आप कर सकते हो, कोई नहीं, ठीक है। तो प्लस के लिए आपको पता है प्लस लगाना है, माइनस के लिए माइनस लगाना है। तो दोस्तों हम यहाँ फार्मूले तो डिस्कस नहीं करने वाले, केवल आपको एडिट करना बता रहे हैं। हम मोबाइल में भी आपको सेपरेट वीडियो बना देंगे फार्मूले से रिलेटेड, ठीक है, तो इसका कोई वो नहीं है। अब दोस्त आती है यहाँ पर मर्ज की, ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है, मर्ज और अनमर्ज, ठीक है। तो देखिए यहाँ मर्ज है अभी फाइल ऊपर की वाली लाइन, हम इसको अनमर्ज करके दिखाएं, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये सिलेक्ट हो गई एंड नीचे आएगा मर्ज, तो देखिए अनमर्ज हो गई, हमें मर्ज करना है तो मर्ज हो जाएगी, ठीक है। आपको ये वैल्यू ये दोनों सेल को मर्ज करना, तो यहाँ पर हम यहाँ पर सॉरी एंड इसको करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट का बड़ा विशेष ध्यान देना, क्योंकि हमारी मोबाइल की फिंगर कंट्रोल नहीं होती, जहाँ टच होगी वहाँ सेलेक्ट कर लेता है, तो यहाँ पर किस लिए कंप्यूटर में ये बेस्ट रहता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं सिलेक्ट करने की, ठीक है। तो देखिए दोनों सेलेक्ट हो गए, देखिए हम मर्ज कर सकते हैं इसको, देखिए आसानी से मर्ज हो गया एंड सेंटर कर सकते हैं इसको, हाँ सेंटर कौन सा है अपना, देखिए ये अलाइजन है ना। तो ये एक बेसिक ट्यूटोरियल है जहाँ पर हम एडिट करना सीख रहे हैं, ना कोई कोई फाइल बनाना। अगर आपको कोई फॉर्म जैसे आ जाता है, कोई एक्सेल की फाइल आती है जहाँ पर आपको फार्मूला सेट करना है एंड यहाँ पर कुछ टाइप करना है, तो वहाँ पर आप इस तरह करेंगे। अब आपको वैल्यू टाइप करना है यहाँ पर, तो हम आपको वैल्यू भी टाइप कर देंगे, इसमें लिखेंगे आप, वैल्यू टाइप हो जाएगी, यहाँ पर हम लिख देते हैं 94, ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू टाइप करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप कट कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं कि हम कट कॉपी पेस्ट कैसे करें, वो भी हम यहाँ पर सिखाते हैं आपको, कोई नहीं, शायद ये सिलेक्ट नहीं हो रही, चलिए हम इसको ट्राई करके देखते हैं, कॉपी एंड यहाँ पेस्ट, तो इस तरह हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, शायद कुछ वैल्यू में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई नहीं, हमने सब यहाँ पर आपको इस वाली से बता दी। अब आपको उस सेल के अंदर बैकग्राउंड में कलर देना है तो वो भी आप दे सकते हो, सिंपल सा मुझे 35 के अंदर बैकग्राउंड कलर देना है, तो यहाँ मैं ये बकेट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर कलर एक्टिव हो जाएंगे, हमें कौन सा कलर देना है, कोई भी कलर हम यहाँ से दे सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे और देख लेते हैं क्या मुझसे हमें एडिटिंग टूल इसके अंदर मिल रहे हैं। यहाँ पर फाइल्स है, यहाँ पर फाइल को आप सेव कर सकती हो, ठीक है। अगर आपको कोई जेपीजी इमेज बनानी है तो आपके पास एक्सपोर्ट जेपीजी इमेजेस का हैगा, तो आप इससे एक्सेल फाइल की इमेजेस बना सकती हो, ठीक है। एंड यहाँ पर मर्ज टेबल्स कर सकते हो, फाइल कंप्रेस, एंड ये टूल काफ़ी अच्छा है, हमें अलग से फाइल को कंप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं ये ऐप प्रोवाइड करा रहा है फाइल कंप्रेशन, यदि आपका ज़्यादा बड़ी फाइल है एक्सेल की तो आप यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आ गया डॉक्यूमेंट इंक्रिप्शन, सबसे अच्छा है, इसको आप पढ़ें, देखिए डॉक्यूमेंट इंक्रिप्शन में आप पासवर्ड लगा सकते हैं, सिंपल से इसको
क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है, कोई भी आप देना चाहें, एंड नीचे कन्फर्म करके पासवर्ड आप लगा सकते हैं इसके अंदर। तो फिलहाल मुझे नहीं लगाना, तो आप पासवर्ड लगाएं तो आप यहाँ पर इस टूल की हेल्प ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सॉरी डॉक्यूमेंट इंक्रिप्शन एंड प्रिंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन दोस्तों। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर प्रिंट का सेटअप कर सकते हो, आपको कौन सी सीट का पेज निकालना है, यहाँ पर प्रिंट का सीट निकालना है, आपको सिक्स वाला पेज निकालना है वो निकाल सकती हो, यहाँ पर आप ऑल पेज निकाल सकती हो या पेज को सेटअप कर सकती हो। ठीक है, तो देखिए एक से दो डैश लगाएंगे तो एक से दो तक प्रिंट निकालेगा, कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर जैसे कि आपको 10, 5, 4 ऐसे करना है तो आप कॉमा लगा के सिलेक्टेड प्रिंटेड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेज सेटअप भी कर सकती हूँ, फिलहाल मुझे नहीं करना ये। ठीक है, और देख लेते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर फाइल होम हो चुका है, व्यू में देखते हैं, व्यू में फ़िल्टर लगा सकते हो दोस्तों, आप फिल्टर लगाना चाह रहे हैं। चलिए मैं आपको फ़िल्टर तो लगा बता ही देता हूँ। देखिए हमें यहाँ पर फ़िल्टर लगाना है यहाँ पर, तो हमें पूरा सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, फिंगर रखेंगे एंड पूरा ले जाएंगे नीचे ड्रैग कर दिए। ठीक है, सारे बस आप थोड़ा सिलेक्ट का विषय ध्यान देना, सिलेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए इतने में ही फ़िल्टर लगा लेते हैं एंड यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर लिखा है फ़िल्टर ऑन कर देते हैं। ठीक है, एक ही यहाँ पर एरो बना आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है आपको कौन सी वैल्यू में क्या करना है, डिसेंडिंग असेंडिंग करना है, जो हम कंप्यूटर लैपटॉप में आपको बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, असेंडिंग करना है, असेंडिंग 1, 2 यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डिसेंडिंग यहाँ पर 6, 5, 2, 3, 1। ठीक दोस्तों, लास्ट में आपको बता दूं, कोई भी आप एडिटिंग करो तो लास्ट में आपको यहाँ पर सेव का आइकन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे आपकी जो भी एक्टिविटी है वो सेव नहीं होगी, आपने जो जो एडिट किया है। ठीक है, तो हमने जो जो टूल इंपॉर्टेंट लगे वो ही आपको बताए हैं। आगे हम मोबाइल से रिलेटेड एम एस एक्सेल से रिलेटेड मोबाइल के अंदर आपको और भी ट्यूटोरियल बताते रहेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ बेसिक था ये एडिटिंग से रिलेटेड, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एडिटिंग वगैरह, है ना। तो आप सेव ज़रूर कर लें, सेव नहीं करेंगे तो एडिट नहीं होगा। तो बहुत से सब्सक्राइबर ये गलतियाँ करते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में ये सवाल बार बार पूछते हैं। तो आप सेव का ये आइकन पर क्लिक करेंगे, जैसे आइकन पर क्लिक करेंगे फाइल आपकी सेव होने लगेगी। सेव होने के बाद आप डन कर देंगे, डन करने के बाद आप जो भी करना है XYZ आप कुछ भी कर सकते हैं, शेयर करना है कुछ भी करना है फाइल को आप कर सकते हैं। यहाँ पर शेयर लिखा है, आप शेयर भी कर सकते हैं यहाँ से, आपको किसी व्हाट्सअप देना है, कंप्यूटर पर करना है, मेल करना है तो मेल भी आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।